तो दोस्तों, आज भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खुशखबरी दी है। और सच मानकर चलिए, यह जो खबर है वो तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक को काफी ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि अब की बार भारतीय वैज्ञानिक जो कारनामा करने जा रहे हैं, इसका मुकाबला करना दुनिया में शायद ही किसी देश के बस की बात होगी। दरअसल आप सभी को पता है कि हमारी भारतीय सेनाओं को बहुत ही उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाले हथियारबंद ड्रोनों की आवश्यकता है, जिन्हें हेल क्लास के यूएवी कहते हैं। अब आप सभी को तो पता है कि भारत हेल क्लास के यूएवी को बना नहीं सकता है, और भारत के आसपास कई सारे हेल क्लास के यूएवी तैनात भी हो रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत अमेरिका से 30 MQ-9 प्रेडेटर, जो कि एक हेल क्लास का यूएवी है और दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, उसको लेना चाहता है। परंतु आप सभी को पता ही है कि अमेरिका इस ड्रोन का प्राइस 820 करोड़ रुपए से कम करने को तैयार नहीं है, साथ में भारत के लिए इसकी तकनीक भी नहीं दे रहा। और इसकी कीमत का अंदाजा आप सभी इसी बात से लगा सकते हो कि एक MQ-9 की कीमत में अपने दो तेजस फाइटर जेट आ जाएंगे, और इसी कारण से भारत और अमेरिका के बीच में यह डील लटकी हुई है। परंतु इसी बीच भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने और भारत के इंजीनियर्स ने भारतीय सरकार से सपोर्ट मांगा है, और हमारी एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है जोनेट टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ से एक ऐसे ड्रोन का अनावरण किया गया है जो यदि भारतीय सेनाओं को मिल जाता है और भारत सरकार इस ड्रोन को बनाने के लिए प्रॉपर फंडिंग कर देती है, तो ना तुर्की का बायरेक्टर और ना ही तुर्की का अकेंसी और ना ही अमेरिका का प्रेडेटर इस ड्रोन के सामने टिक पाएगा। क्योंकि भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के इस ड्रोन GA-5 की जो रेंज है वो 8500 किलोमीटर है, जबकि तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन की जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 4000 किलोमीटर की, और तुर्की के अकेंसी ड्रोन की जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 7500 किलोमीटर की। यानी जो हमारा ड्रोन है वो तुर्की के इन सारे ड्रोनों से 1000 किलोमीटर की ज्यादा रेंज रखता है, जबकि अमेरिका के MQ-9 3B ड्रोन की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। यानी इस ड्रोन से भी हमारा ड्रोन डबल रेंज रखता है। साथ में यह ड्रोन 56 क्विंटल तो वजनी होगा, साथ में 25 घंटे तक जमीन से 40 से 45 हजार की फीट की ऊंचाई पर बड़ी ही आसानी से 8500 किलोमीटर की जो रेंज है वो भारतीय ड्रोन प्रदान करेगा। बस जरूरत है तो भारत के DRDO से इसमें लगने वाले हथियारों को बनाने की मदद की आवश्यकता है, साथ में भारत सरकार की तरफ से इसको फंडिंग की तत्काल आवश्यकता है। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को इस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के ड्रोन को सपोर्ट करना चाहिए या फिर अमेरिका से ड्रोन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।